welcome you all in your subject social science. Today we are going to start a new chapter, early states of political system in India. Okay, chalo. Humne last chapter mein dekha about their social, okay, and their towns. Okay, social life ke bare mein dekha. Now political system. जो अर्ली स्टेट्स में कैसे मतलब राज की कार्य कैसे होते थे लिख के, कैसे कौन जो किंग थे वो कैसे अपना जो पूरा जो एरिया था उनका किंगडम कैसे चला थे, बराबर उसके बारे में सीखेंगे. लेट्स स्टार्ट. वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द वेदास, एपिक्स एंड बुद्धिस टेक्स्ट. ओके, तो हमें ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? तो हमने देखा था लास्ट टाइम में वेदास, चार वेदास थे हमारे, बराबर. उसमें कुछ एपिक्स जो वो वहाँ उस टाइम के जो लोगों ने लिखी थी, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बराबर. तो वहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है. इन द ऋग्वेदा पीरियड ऑफ वैदिक पीरियड द फॉर्म ऑफ स्टेटहुड वॉज सिमिलर टू द दैट इज द कबीलाई रूल. कबीलाई रूल मतलब कि एक कबीला होता है, मतलब उसमें एक मेन पर्सन होता है जिसे बोलते हैं सरदार, और बाकी सब होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं, बराबर. और जो मेन जो डिसीजंस वगैरह होते हैं वो सबके साथ डिस्कस करते हैं, पर जो कबीले का जो मेन सरदार होता है वो मेन होता है. तो उस टाइम पे कबीलाई रूल था. इट्स हेड वॉज कॉल्ड राजुनिया, बराबर. हु वॉज टू बी अ इलेक्टेड, बराबर. जो मतलब उनको सरदार, ऐसे सरदार की तरह उनको चूज करते थे. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सभा एंड समिति वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अ लास्ट वीडियो, ओके, इन लास्ट चैप्टर. दिस कम्युनिटी वॉज ऑल्सो कॉल्ड विश, ओके. आफ्टर वर्ल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, बराबर. तो उसे विश भी बोला जाता है. विश मतलब एक समूह, बराबर. तो अलग अलग उस टाइम पे जो नाम थे, जैसा हम लोग सोसाइटी वगैरह बोलते हैं ना, कुटुंब होता है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट थे, बराबर. सो जनपद, ओके. अभी देखो, हाउ इज द लीडर सेलेक्टेड इन द प्रेजेंट एज इन इंडिया. अभी कैसे हम अपने लीडर्स को चूज करते हैं? थ्रू वोटिंग, राइट. हम वोटिंग के थ्रू सिलेक्ट करते हैं, हमने गवर्नमेंट में देखा ना. चलो, जनपद. अबाउट 1000 BC द अर्लियर स्टेट्स ऑफ डिफरेंट क्लेम वेर एस्टेब्लिश इन पंजाब एंड द गंगेस रिवर एरिया, बराबर. तो वहाँ पे ज़्यादा वो डेवलप हुए थे, गंगा के जो मैदान हैं उस एरिया में, पंजाब में, वहाँ पे. दिस वर कॉल्ड जनपद, बराबर. तो वो ग्रुप को क्या बोलते थे? जनपद. जनपद वॉज द एरिया और प्लेस ऑफ पर्सन हैबिटेट, बराबर. मतलब कि जहाँ पे जो एक ग्रुप एक साथ रहता है उसे कहते हैं जनपद. उस हिसाब से उनका नाम होता है, बराबर. तो उनका हैबिटेट बोलो या तो उनकी सोसाइटी, उनकी कम्युनिटी, वहाँ पे वो लोग रहते हैं और सब एक जैसे जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करते हैं. द वर्ड जनपद इज यूज्ड इन सेंस ऑफ स्टेट, बराबर. जैसे कि एक स्टेट मतलब उनका राज्य, एक एरिया. जनपद वॉज अ स्टेट सिस्टम दैट वॉज वेरी यूनिक फ्रॉम द क्लीन सोसाइटी एंड ऋग्वेदिक एज, ओके. So it includes the state of different group like Kuru and Panchal. तो ऐसे बहुत से जनपद थे, उसमें से बहुत तो अभी तक जाने माने हैं, जैसे कि कुरु, पांचाल, ओके. नाउ महाजनपद, ओके. तो नाम से पता चल जाता है महा, बराबर. महा मतलब बड़ा. Around the century, about 16 Mahajanpad have been found in India, बराबर. तो 6th century में
उस टाइम पे ऐसे जो बड़े बड़े जो महाजनपद थे कितने थे 16 जो ज़्यादा फेमस थे. सम ऑफ दिस महाजनपदों वर रिपब्लिक्स वाइल सम वर मोनार्की टाइप ऑफ स्टेट्स. ओके दिस महाजनपद वी आउटलाइंड इन द फॉलोइंग टेबल. बराबर उसमें से कुछ मोनार्की सिस्टम के थे कुछ किसी किसी में रिपब्लिक मतलब कि जो लोगों के द्वारा बराबर तो सब ऐसे थे कि लोगों का उसमें कुछ कुछ ना कुछ योगदान होता है. और मोनार्की में क्या होता है हमने देखा था कि एक जो किंग वो होते हैं वो सब डिसीजंस लेते हैं राइट. सो चलो देखते हैं 16 महाजनपद. तो पहले महाजनपद का नाम है फर्स्ट है अंग बराबर. फिर उनका जो महाजनपद होते हैं उनका कैपिटल होता है मतलब देखो हमारा स्टेट होता है उसका कैपिटल है कंट्री है उसका कैपिटल है राइट. तो महाजनपद अंग उसका कैपिटल था उस टाइम पे चंपा. और वो एरिया किस साइड था इन प्रेजेंट टाइम ईस्ट बिहार. ईस्ट बिहार है ना वो उस टाइम पे अंग बोला जाता था. फिर वज्जी उसका कैपिटल वैशाली और एरिया नॉर्थ बिहार. ओके चलो मल तो उसमें कुशीनारा एरिया नियर गोरखपुर इन यूपी उत्तर प्रदेश. काशी जिसे हम वाराणसी बोलते हैं बराबर कैपिटल वाराणसी है तो वाराणसी था अभी वाराणसी है ना हम उसे बनारस या वाराणसी जो भी बोलते हैं बराबर हिंदी में उसको वाराणसी बोलते हैं बनारस भी बोलते हैं. मगध बहुत जाना पहचाना है बराबर उसका था गिरिराज राजगृह. ओके साउथ बिहार में है. फिर कौशल श्रावस्ती अयोध्या अवध जो अयोध्या है अभी यूपी में बराबर जहाँ पे राम जन्म हुआ था. फिर वत्स वो है कौशाम्बी. कौशाम्बी कहाँ है एरिया नियर प्रयागराज उत्तर प्रदेश. ओके छेड़ी सुक्तिमठी तो द रीजन बिटवीन यमुना एंड नर्मदा. यमुना और नर्मदा के बीच में जो एरिया है वो उस टाइम पे छेदी महाजनपद बोला जाता था बराबर. फिर है पांचाल. ओके तो वो है अच्छत्र. ओके कैंपिलिया तो अभी वो कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में बदायू एरिया नियर बरेली बरेली के आसपास का एरिया बराबर. सुरसेन तो मथुरा आपने देखा होगा सुरसेन. ओके लॉर्ड कृष्णा के कुछ रिलेटिव थे उनके अंकल थे राइट. रीजन नियर मथुरा जो उत्तर प्रदेश में है. कुरु इंद्रप्रस्थ रीजन नियर दिल्ली एंड मेरठ. आपने महाभारत में देखा होगा इंद्रप्रस्थ नाम सुना होगा राइट. फिर अस्माका. ओके पौंड्य ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर. ओके तो गोदावरी रिवर का समझ में आया. चलो नाउ नेक्स्ट अवस्थी अवंती. यस अवंती मतलब उसका कैपिटल था अभी जो एमपी है वो मध्य प्रदेश. ओके मत्स्य विराटनगर रीजन नियर जयपुर राजस्थान. और गांधार ये तो नाम सुना है तक्षशिला फर्स्ट चैप्टर में आया था राइट. तो रीजन नियर पेशावर एंड रावलपिंडी इन प्रेजेंट इन पाकिस्तान. ये दोनों पाकिस्तान के एरिया हैं रावलपिंडी और पेशावर. कंबोज. ओके लाजपुर वो रीजन नियर द साउथ वेस्ट कश्मीर. ओके यहाँ देखो मैप में भी ये सब प्लेसेस हैं तो आपको सीधा आइडिया आ जाएगा ये कहाँ पे कौन सा था. अंडरस्टैंड ये लिच्छवी कुशीनरा इन बिहार राइट. तो ये सब थे महाजनपद जो 16 महाजनपद जो बहुत फेमस थे. ओके नाउ देखो अब है मोनार्की. यस मोनार्की
मतलब देखो ये स्टेट सिस्टम है कि मोनार्की सिस्टम आपने हमने गवर्नमेंट में सीख लिया था, am I right? The state in which the king was chief was called the monarchy. जहाँ पे किंग का राज हो उसे मोनार्की बोलते हैं. Among the महाजनपद of this time, there was competition like power which mainly, okay? मतलब कि देखो राज होता है एक जगह पे वो राज करते हैं फिर दूसरी जगह पे वो एरिया को कवर करने के लिए तो ज़्यादातर उनकी फाइट उसी लिए होती है बराबर बाजू के एरिया को कवर करने के लिए कि वहाँ का जो राज है वो उसके अंडर में आ जाए. कंसिस्टेड ऑफ फोर पावरफुल स्टेट्स मगध कौशल वत्स अवंती इन विच मगध इवेंचुअली बिकम द फेमस एज अ पावर स्टेट. मगध ये सब जो थे उसमें जो चार जो सबसे ज़्यादा फेमस थे मगध कौशल ये सब उसमें जो मगध था वो ज़्यादा पावरफुल था और आगे हम जाके देखेंगे मगध के जो ग्रेट किंग है वो ओके मौर्यास अपने आगे हम ओके नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे. ऑल द टाइम ऑफ बुद्धा इन मोनार्की स्टेट सिस्टम मगध बिकम पावरफुल ओके तो उस टाइम पे पावरफुल महाजनपद था वो बराबर. सो दिस पावरफुल डायनेस्टी ओके रूल्ड कवर द मगध एरिया तो वो जो पूरा एक महाजनपद था तो वो पूरा एक डायनेस्टी जो पावरफुल मतलब बहुत पावरफुल माना जाता था वो एरिया और उसके जो किंग थे वो ओके तो वो वहाँ पे वो मोनार्की सिस्टम था. मगध के जो राजा थे वो सब बहुत पावरफुल थे मतलब दूसरों को हरा सकते थे इतने पावरफुल ओके. चलो नेक्स्ट हरियाणा डायनेस्टी चलो अब दूसरी डायनेस्टी देखते हैं. बिंबिसार वॉज फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी ओके हरियाणा का ये बिंबिसार याद रखना बिंदुसार और बिंबिसार दोनों अलग हैं. बिंदुसार है वो मौर्यास एम्पायर में आएगा बराबर ये है बिंबिसार. बिंबिसार वॉज फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी ओके हेड क्वार्टर ऑफ मगध वॉज राजगृह. हमने देख लिया ना आगे कि मगध का जो कैपिटल था कौन सा था राजगृह जिसे गिरिराज बोला जाता है विच वॉज द सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड सोन रिवर बराबर. सोन रिवर और गंगा रिवर है उस एरिया में ये डेवलप हुआ था. सो आफ्टर हिम ही सन अजात शत्रु केम टू द पावर एंड मेड पाटलिपुत्र जिसे अभी हम पटना बोलते हैं हिज कैपिटल बराबर. तो पहले उनका कैपिटल कहाँ था राजगृह में. फिर जब उनकी डेथ हो गई बिंबिसार की तो उनका जो सन है अजात शत्रु उन्होंने अपना जो कैपिटल था वो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया इन पाटलिपुत्र. सो ही फॉट अ वॉर विथ वजी ओके वजी यूनियन एंड डिफेक्टेड टू लिच्छवीज ओके. सो इन दिस वे ही एग्जीक्यूटेड द रूल ऑफ मगध. फिर उन्होंने ये पूरा जो अपना एरिया थी आगे आगे जाके एग्जीक्यूटेड किया. समझ में आया अपना विस्तार बढ़ाते गए ऐसे आसपास का एरिया उन्होंने कवर कर लिया. नेक्स्ट नाग डायनेस्टी ओके. नाग डायनेस्टी केम टू द पावर आफ्टर हरियंका डायनेस्टी. हरियंका डायनेस्टी के बाद ये डायनेस्टी आई विच इंक्लूड्स द किंग नेम शिशुनाग ओके. शिशुनाग जो था उसी से देखो शिशुनाग तो पीछे क्या आया नाग इसी वजह से उसको नाग डायनेस्टी बोलते थे. उसमें जो पहला पावरफुल किंग था वो कौन था शिशुनाग ओके. हु वॉज एसोसिएटेड विथ बुद्धा रिलीजन जिससे बुद्धा रिलीजन के साथ जोड़ा जाता है उनकी स्टोरीज के साथ शिशुनाग. देन नंद डायनेस्टी यस ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि नंद डायनेस्टी है ना वो मगध की लास्ट थी. उसके बाद जो डायनेस्टी आएगी वो पावरफुल डायनेस्टी थी. चलो नंद डायनेस्टी ओके इज एस्टेब्लिश्ड बाय
महापद्मनंद पद्मानंद वॉज मोस्ट पावरफुल ओके, जो महापद्मनंद थे वो उसका पावरफुल किंग था। देखो कोई किसी किसी डायनेस्टी में किंग तो वन बाय वन होते हैं, पर कुछ कुछ इतना मतलब अलग वर्क नहीं करते, एरिया नहीं बढ़ाते हो तो इतने फेमस नहीं होते, पर जो पावरफुल होता है बराबर उसको ज़्यादा मेंशन करते हैं। तो ये जो महापद्मनंद था वो बहुत पावरफुल था। सो महापद्मनंद इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंडियन एम्पायर बराबर, तो भारत का पहला जो महान योद्धा बोला जाता तो महापद्मनंद था। ड्यूरिंग दिस टाइम मगध हैड बिकम द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ इंडिया। उस टाइम पे इंडिया का जो मोस्ट पावरफुल स्टेट कौन सा था, यही मगध ओके, उन्होंने इतना डेवलप किया था। एट दिस टाइम द एलेक्जेंडर द एवेशंस ऑफ इन इंडिया ओके, मगध वॉज रूल्ड बाय द किंग नेम धनानंद ऑफ नंद डायनेस्टी। समझ में आया? उसके बाद जो एलेक्जेंडर जो बाहर से आया था बराबर, तो वो इंडिया में आया था, तो उस टाइम की बात है। और उसके बाद जो ये नंद डायनेस्टी को आगे बढ़ाने वाले थे वो थे धनानंद ओके। नाउ रिपब्लिक, ये सब मोनार्किस थे, अब रिपब्लिक के बारे में देखते हैं। अ रिपब्लिक इज अ स्टेट डायरेक्टली ऑफ इनडायरेक्टली रूल्ड बाय द हेड हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल। देखो उसमें ये भी एक हेड तो होता है, बस उस हेड को जो पीपल है उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है ओके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे अभी है हमारी कंट्री रिपब्लिक कंट्री है ना। सो द रिपब्लिक वॉज द साइनिफिकेंट फीचर ऑफ द एंशियंट स्टेट एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। द कॉमन मीटिंग मीनिंग ऑफ गना इज ऑफ मास इज मास ओके। तो जो गना था एक मास मतलब कि पूरा एक ग्रुप बोला जाता है जिसे ओके। स्टेट रन बाय मोर देन वन मेंबर कैन बी कॉल्ड अ रिपब्लिक, जिसमें एक मेंबर नहीं होता है, एक से ज़्यादा होते हैं। एट दिस टाइम देयर वर सम स्टेट्स इन विच द किंग वॉज चूजन बाय द पीपल, सच ए स्टेट वॉज कॉल्ड रिपब्लिक। देयर वर रिपब्लिक्स ऑफ लिच्छवी ऑफ वैशाली ओके, शाक्यस ऑफ कपिलवस्तु एंड विदेह ऑफ मिथिला। ये सब बिहार के आसपास का एरिया है ओके। सो मल्ला ऑफ कुशीनारा एट्सेट्रा, ये सब रिपब्लिक स्टेट थे। हमने देखा ना 16 जनपद, उसमें कुछ थे वो मोनार्की थे और कुछ ये जो नाम दिए हैं ओके। तो लिच्छवी कुशीनारा ये सब, इसमें जो विदेह है इसमें सब में रिपब्लिक सिस्टम था ओके। इन सच अ सिस्टम ऑफ अफेयर सच इच मेंबर्स वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ किंग। तो जो उसमें जो लीडर था उसे ऐसे किंग का मतलब किंग की पोस्ट दी जाती है, उसका पावर दिया जाता है ओके। चलो गन की यहाँ पे डेफिनेशन है, गन द वर्ल्ड गना, जिसे हम बोलते हैं गना, गन नहीं गना। गना वर्ल्ड वॉज यूज टू ग्रुप ऑफ मैनी मेंबर्स, गना मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप। हम बोलते हैं ना पूरा गण, गण जिसे बोलते हैं हम, तो गण है एक पूरा एक ग्रुप है, जिसमें ग्रुप है तो ऑब्वियस उसमें एक से ज़्यादा लोग होंगे ओके। फिर है संघ, संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली, पूरी असेंबली सभा जिसे हम बोलते हैं। समझ में आया? तो गण अलग है और जो ये है संघ, ये अलग चीज़ है। संघ है वो एक पर्टिकुलर लोगों का एक ग्रुप है, और जो गण है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं बराबर, उसमें कोई पर्टिकुलर वर्क ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उसे सिर्फ जो खाली ग्रुप है तो उसे हम गण बोलते हैं, लोगों का ग्रुप। सो वैशाली विच स्टेट, चलो वैशाली वजी स्टेट उसके बारे में देखते हैं ओके। मोनार्की विज्ड टू इंक्रीज देयर पावर एंड एम्पायर बार ऑक्यूपाइंग द सराउंडिंग टेरिटरीज।
ओके, आसपास के टेरिटरीज मतलब समझते हैं ना, और राज्य का हिस्सा, इससे टेरिटरीज बोलते हैं. सो सेइंग दिस लिच्छवीज वज्जी ज्ञातक वैदे शाक्य मल्ला एटसेट्रा एट और नाइन ट्राइब्स हु एस्टैब्लिश द यूनिट स्टेट ऑफ देयर प्रोटेक्शन वॉज नोन एज द वज्जी स्टेट. बराबर, तो ऐसे जो ट्राइब, ट्राइब मतलब समझते हो जो पिछड़े लोगों का, जो जंगल में सब आसपास के जो पिछड़े लोग होते हैं उन लोगों का एक समूह, पहले के जो लोग थे जिससे हम आदिवासी वो सब बोलते हैं ट्राइब, तो ऐसे लोगों का पूरा एक समूह. बराबर, तो एक साथ मिलके वो एक ग्रुप बनाते हैं, बराबर, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो एक यूनियन स्टेट बनाते हैं और वो फिर इस नाम से जाना गया वज्जी स्टेट. तो वैशाली द कैपिटल ऑफ द लिच्छवी वॉज द मेन सेंटर ऑफ यूनियन स्टेट. उस टाइम पे जो वैशाली था, बराबर, तो वो फेमस था, लिच्छवी का कैपिटल था, पर वो ज़्यादा उस टाइम पे फेमस था. दस इट वॉज द नेम रिपब्लिक ऑफ वैशाली, इसलिए उसको रिपब्लिक ऑफ वैशाली बोला जाता था. ओके, द स्टेट सेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिपब्लिक वॉज गवर्न बाय द सभा. यस, ये ध्यान से सुनना कि जो रिपब्लिक था वो सब सभा, सभा से वो सिलेक्ट होते थे, बिकॉज ऑफ विच इट वॉज द कॉल्ड द रिपब्लिक, मतलब लोगों के सिलेक्शन के साथ वो इलेक्ट होते हैं. बराबर, तो इसलिए उसे जो सभा थी वो इम्पोर्टेंट थी, तो इसे कहते हैं रिपब्लिक. इन रिपब्लिक ऑल द पावर्स ऑफ हाउस रेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द मेंबर्स. तो रिपब्लिक में सब पावर्स किसके हाथ में होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं उनके हाथ में. ओके, सो ऑल द मेंबर्स सैट इन सभा एंड अफेयर्स वेर पास्ड इन द हाउस बाय वॉट और अनएमिनिटी. ओके, तो क्या करते हैं वो लोग जो साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं और पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में कुछ डिसीजंस वगैरह वो सब लेते हैं. द प्लेस वर मीटिंग वॉज हेल्ड वॉज कॉल्ड सेंक्टम. बराबर, तो जहाँ पे वो करते थे उस प्लेस को क्या बोलते थे, संक्तम. बराबर, जहाँ पे बैठ के जैसे हमारी होते हैं ना असेंबली हॉल बोलते हैं, ऐसी जगह पे वो लोग इकट्ठा होते हैं. ओके, द एल्डरली एज वेल एज यूथ वर सिलेक्टेड एज द मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली. द रिपब्लिक इलेक्टेड देयर प्रेसिडेंट. ओके, फॉर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हु वॉज चूजन बाई द इलेक्शन. बराबर, उसमें एक प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया जाता था जिसे सब वोटिंग इलेक्शन जैसे अभी होता है, तो इलेक्शन भी होता था, उससे उसमें से सिलेक्ट करते थे. इन द रिपब्लिक इच मेंबर वॉज कंसिडर्ड एज द किंग. ओके, रिपब्लिक हैड देयर ओन काउंसिल इन विच मैनी इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस वॉर ट्रीटी एट्सेट्रा. बराबर, ट्रीटी मतलब दूसरों के साथ कुछ मतलब मान लो कि लड़ाई नहीं करनी है तो दूसरों के साथ कुछ जोड़ना है, संधि जिसे बोलते हैं ट्रीटी, तो उनके लिए भी लोग चाहिए ना, उसके लिए डिसीजंस के लिए कभी कोई लड़ाई हो जाए, अंडरस्टैंड. और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि वहीवट कैसे चलाना है, लोगों का कैसे सब कुछ प्रोवाइड करना है, डिफेंस अपने आप को डिफेंस करने के लिए भी जो उसमें ग्रुप होता है अलग अलग. ओके, इच मैनी इम्पोर्टेंट इश्यूज लाइक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस ये सब होते थे. बराबर, वर डिस्कस्ड एंड देन डिसाइडेड एनी मेंबर कुड एंजॉय द मेंबरशिप फॉर अ फिक्स टाइम ओनली. बराबर, फिर उनको कोई लोगों को जैसे कि अभी होता ना कि जो सेनापति होते हैं आपने देखा होगा, किंग होते हैं वो अलग अलग लोगों को अपॉइंट करते हैं कुछ वर्क के लिए, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर वर्क के लिए उनको फिक्स किया जाता था उस टाइम तक. जैसे कि अभी हमारे 5 साल तक जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं. ओके,
होम मिनिस्टर है वो होम मिनिस्टर ऐसे हो फिक्स रहते थे. एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी असाइटेड ओके द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक इज द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द स्टेट. समझ में आया? तो एग्जीक्यूटिव कमिटी भी होती थी जो प्रेसिडेंट को कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव में हेल्प करती थी, बराबर, वो सब संभालते थे. नाउ सोशल लाइफ, यस, चलो अब इसका लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता था. तो अकॉर्डिंग द आर्कियोलॉजिकल पीपल ऑफ दिस टाइम लिव्ड इन सिंपल हाउसेस. लोग कहाँ पे रहते थे? सिंपल हाउसेस में रहते थे, ओके, एंड लिव्ड इन सिंपल हाउसेस. दे वर एसोसिएटेड विद द पेस्टोरल एक्टिविटीज, ओके. तो अपना जो पेस्टोरल एक्टिविटीज, जो नॉर्मल जो हमारा अभी जो वर्क करते हैं रोज का, तो उस एक्टिविटी में वो लोग वर्क करते थे. एट दिस टाइम क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, बारले, सुगर कैन, सेसमे, मस्टर्ड, ओके, सीरियल्स वर ग्रोन. तो ये सब क्रॉप ग्रो होते थे उस टाइम पे, सब अपना अपना वर्क करते थे. पीपल माइट हैव बीन यूजिंग क्ले वेसल्स, ओके, स्पेशली बिकॉज आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैव बीन फाउंड सम ऑफ दिस वेसल्स. तो कुछ मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, वो सब काम होता था क्योंकि कुछ ऐसे वेसल्स मिले हैं, बराबर. देखो यहाँ पे बाजू में है पेंटेड वेसल, एक जो बाउल है उससे पेंट किया हुआ है. तो वो सब क्राफ्ट वर्क भी, ऐसे क्रिएटिव वर्क भी करते थे. सो दैट वॉज द सम ऑफ द पॉटरी फाउंड इन दिस टाइम हैड ग्रोइंग ऑन देम एंड दिस यूटेंसिल्स वर पेंटेड टू ग्रे कलर, बराबर. तो ये सब यूटेंसिल्स थे वो ग्रे कलर से पेंटेड किए गए थे. वो सब हमें एविडेंस आर्कियोलॉजिकल कुछ साइट्स होती है वहाँ से हमें मिले हैं. एट दिस टाइम रूलर ऑफ एनर्जी स्टेट, एवरी स्टेट डिड एवरी पॉसिबल थिंग फॉर दिस डिफेंस ऑफ दिस स्टेट. यस, ये तो होता ही है. देखो अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंस करने के लिए वो जो भी पॉसिबिलिटी होती थी वो सब करते थे, ओके. तो मेन वर्क उनका ये रहता था कि अपने एरिया को, अपनी जो टेरिटरी है उसको प्रोटेक्ट करें, ओके. फॉर दिस रीजन स्ट्रॉन्ग एंड हाई फोर्ट वेयर बिल्ट. इसलिए अपना जो एरिया है उसके आसपास किले, मजबूत किले वगैरह बनाए गए थे. इसलिए हम जो अभी फोर्ट वगैरह देखते हैं ना, हम देखो हम सिर्फ घर बनाते हैं और आजू बाजू वॉल से या फेंस से कवर करते हैं अपने घर को, पर जो बड़ी बड़ी वॉल्स वो बनाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हमारी अंदर अंदर इतनी लड़ाई नहीं होती है. तो उस टाइम पर तो ऐसी लड़ाइयाँ होती थी, इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग बड़े फोर्ट वगैरह सब बनाते थे, ओके. सम ऑफ द किंग्स यूज टू बिल्ड लार्ज टॉल एंड मैग्निफिकेंट वॉल्स, ओके, अराउंड दिस किंगडम टू शोकेस देयर पावर एंड प्रॉपर्टीज, बराबर. तो अपनी कुछ जो प्रॉपर्टीज और पावर है वो दिखाने के लिए भी बड़े बड़े ये जो फोर्ट थे वो सब बनाते थे, ओके, बड़ी दीवार. सिर्फ ब्रिक वॉल्स वर फ्रॉम ओके प्रयागराज डेट्स बैक टू अराउंड 2500 ईयर्स एगो, ओके, 2500 ईयर्स एगो की जो अयोध्या में है, प्रयागराज में है, ऐसे फोर्ट मिले गए हैं बहुत पहले, अभी से 2500 साल पहले के वो बने हुए हैं. सो वी कैन से दैट फोर्ट वाइट, ओके, विथ हाइट वॉल्स माइट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एट दिस टाइम. मतलब कि बहुत ऊंची ऊंची दीवारें उस टाइम पे बनाई गई होगी, ये हम बोल सकते हैं, ओके. देखो यहाँ पे ये जो मेन खड़ा है कैसे बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर देखो. और ब्रिक्स यूज होती थी, हाँ, ब्रिक्स वॉल ऑफ फोर्ट प्रयागराज, ओके. यहाँ पे उसका एक प्रयागराज जिसे अलाहाबाद पहले बोलते थे, अभी प्रयागराज हो गया है नाम, ओके. इसलिए ब्रैकेट में है अलाहाबाद, जो इलाहाबाद था वो
प्रयागराज से अभी जाना जाता है. ऑल द महाजनपद ऑफ दिस टाइम ओके नीडेड अ लार्ज आर्मी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्ट देयर डिफेंस. बराबर, तो सेना भी तो चाहिए, तो लार्ज आर्मी भी उनके पास थी और ये डिफेंस के लिए बड़े बड़े फोर्ट भी थे, मजबूत किले, ताकि उसे कोई तोड़ ना पाए. पीपल वर टेक्स्ट टू मीट दिस नीड. ओके, फार्मर नीड टू गिव 6 पार्ट ऑफ देयर येल्ड टू द ट्रेजरी. यस, एक रूल था कि अपनी जो कमाई है तो जो फार्मर्स से उनको अपनी कमाई में से 6 पार्ट वो उनको देना पड़ता था. द आर्टिस्ट नीड टू वर्क फॉर द स्टेट. जो आर्टिस्ट थे वो स्टेट के लिए काम करते थे. मतलब ये एक कुछ प्रकार का थोड़ा स्टेट होता था, जैसे अभी हमारा जो टैक्सेस होते हैं, तो ऐसे वो टैक्सेस होते थे कि जो अपनी कमाई है उसमें ईयर का 1/6 पार्ट. ओके, जो अपनी जो इनकम है उसमें से 6 पार्ट का हमारी जो किंगडम है उनको देना था. ओके, फॉर दिस डे द मंथ सो कैटल मेंबर्स मर्चेंट्स टू पे टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स. जो मर्चेंट थे जो अपने व्यापार करते थे वो उनकी जो माल की बिक्री होती थी उसके हिसाब से वो टैक्सेस पे करते थे. ओके, तो ऐसे उनका जो पॉलिटिकल पूरा वर्क था ऐसे चलता था. ओके, सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाजनपद एग्रीकल्चर स्टार्टेड टू इम्प्रूव ड्यू टू द आयरन टूल्स. इसके बाद वो अपने एग्रीकल्चर में आयरन टूल्स भी यूज करना उन्होंने चालू कर दिया था. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ दिस एंशियंट स्टेट्स. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.